स्टार्ट विद दी नेम ऑफ अल्लाह इज़ द मोस्ट बेनिफिशेंट एंड मोस्ट मर्सीफुल डेयर स्टूडेंट्स असलकुम आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नाइन पॉइंट फोर क्वेश्चन नंबर नाइन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन हमारे पास कॉल स्क्र थीटा माइनस साइन स्क्र थीटा इज इक्वल टू वन माइनस टेन स्क्र थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस टेंथ स्क्र थीटा आप लेफ्ट एंड साइड स्टार्ट करें और राइट uh, प्रूफ right कर दें या राइट right प्रूफ करें और लेफ्ट प्रूफ कर दें ठीक है तो इसमें मैंने कंसीडर uh, किया है लेफ्ट राइट हैंड साइड वन माइनस टेन स्क्येर थीटा डिवाइड बाय वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा वन माइनस टेन स्क्यर थीटा एज इट इज वी नो दैट वन प्लस टेन स्क्यर थीटा इज इक्वल टू सिकेंड स्क्र थीटा ठीक है तो वन प्लस टेन स्क्यर थीटा की uh, जगह हमने सेकेंड थीटा पुट कर दिया अब हम क्या करते हैं इसको अलग कर लेते हैं वन डिवाइड थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइड थीटा अब वन डिवाइड बाई ये किसके होता है कॉल्स के ठीक है तो स्क्यर था तो यहाँ भी कॉल स्क्यर थीटर आ जाएगा माइनस टेन को हम लिख सकते हैं साइन डिवाइड बाय कॉस ठीक है टेन स्क्वेयर है तो फिर यहाँ भी साइन स्क्यर डिवाइड बाय कॉल स्क्र थीटा आ जाएगा मल्टीप्लाई सिकेंड को हम लिख सकते हैं वन डिवाइड बाय कॉल ठीक है यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ टेन स्क्वेयर थीटा और यहाँ पे सिकेंड की जगह हम लिख सकते हैं वन डिवाइड बाय कॉल स्केयर थीटा तो जब ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा ठीक है तो ये स्टेप मैंने नहीं किया डायरेक्ट यहाँ से पुट कर दिया आई होप कि आप समझ गए होंगे ठीक है तो कॉस स्क्र थीटा ये कैंसिल हो जाएगा कॉसक्अर थीटा माइनस साइन स्क्र थीटा आ जाएगा और यही है आपकी लेफ्ट हैंड साइड नाउ आप मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ क्वेश्चन नंबर टेन है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा माइनस वन डिवाइड बाय कॉर्ट थीटा प्लस वन यहाँ पे मैंने आ, राइट हैंड साइड कंसीडर किया है ठीक है आप जो मर्जी कर लें जो आपको इजी लगे ठीक तो है तो राइट साइड है कॉट थीटा माइनस वन डिवाइड बाय कॉट थीटा प्लस वन कॉट हम लिख सकते हैं कॉट को कॉज ओवर साइन ठीक है टेन क्या होता है साइन ओवर कॉज और टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है और इसको हम लिख सकते हैं कॉज थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस वन फिर यहाँ पे भी एज इट इज कॉज थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस वन अब आप एलसीएम लें तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन मल्टीप्लाई वन साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा मल्टीप्लाई ये जो मैंने अभी आपको समझाया था ये इसी तरह किया अगर यहाँ पे एक स्टेप आप इंक्रीज कर दें यहाँ पे आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन एलसीएम ही लेना है ना जैसे यहाँ पर लिए तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा तो साइन uh, थीटा नीचे है ठीक है डिनोमिनेटर में है ये उलट के आ जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाय कॉसिटा प्लस साइन थीटा साइन थीटा यहाँ से हो जाएगा कैंसल ठीक है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और यही है आपकी लेफ्ट हैंड साइड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर इलेवन साइन थीटा डिवाइड बाय वन प्लस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉसिकेंट थीटा लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर मैंने कंसिडर किया साइन थीटा डिवाइड बाय वन प्लस कॉसिटा प्लस कॉर्ड थीटा ये एज इट इज रहेगा प्लस कॉड को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा एलसीएम ले लें तो एलसीएम आएगा साइन थीटा वन प्लस कॉस थीटा ठीक है तो एलसीएम लेने का एक आसान तरीका यह है कि यहाँ से आप देखें डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास वन प्लस कॉस थीटा यहाँ से वन प्लस कॉड कैंसिल कर दें जो बचिए उसे नॉमिनेटर यानी ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर साइन बच गया इसे साइन के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा प्लस है तो प्लस अब डिनोमिनेटर में यहाँ देखें साइन थीटा है यहाँ साइन थीटा कैंसिल कर दें यहाँ रह जाएगा वन प्लस कॉस् थीटा वन प्लस कॉस्ट थीटा ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा ठीक है तो वन प्लस कॉस्ट थीटा इंटू कॉस् थीटा अब इसे ओपन करें ब्रैकेट को साइन स्क्र थीटा एज इट इज प्लस कॉस्र थीटा मल्टीप्लाई वन थीटा कॉस स्केयर सॉरी कॉस्ट थीटा कॉस् थीटा मल्टीप्लाई वन थीटा प्लस 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 थीटा मल्टीप्लाई थीटा कॉस थीटा अब इससे अगर आप कंबाइन कर लें साइन स्क्र थीटा प्लस कॉस स्क्र थीटा इसकी जगह क्या आ जाएगा वन ठीक है और ये कॉस रह जाएगा वन प्लस कॉस थीटा और यहाँ पे साइन थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉस थीटा ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया यहाँ पे आप साथ लिख दें साइन स्वयर थीटा प्लस कॉस कॉज स्क् थीटा इज इक्वल टू वन ठीक है ये आपने पुट किया है. यहाँ पे वन प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा वन डिवाइड बाय साइन थीटा रह जाएगा और इसे हम लिख सकते हैं कॉसिकेंड थीटा और यही थी आपकी राइट हैंड साइड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व कॉर्ड स्केयर थीटा माइनस वन डिवाइड बाई वन प्लस कॉड थीटा कॉर्ड स्क्र थीटा इज इक्वल टू टू कॉस्र थीटा माइनस वन लेफ्टाइड कंसिडर किया यहाँ पे मैंने और हम एज इट इज इसको लिख देंगे कॉड स्क्यर थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉड स्केर थीटा इक्वल होता है कॉसिकेंड स्क्वेयर थीटा के ठीक है वी नो दैट यहाँ पे आप लिख देंगे ये पुट कर दिया आपने अब आप अलग अलग कर दें कॉट स्क्यर थीटा डिवाइड बाय कॉसिकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाय कॉसिकेंट स्क्वेयर थीटा अब कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस डिवाइडेड बाय साइन ठीक है कॉल स्क्र थीटर डिवाइड साइन स्क्र थीटा मल्टीप्लाई को हम लिख सकते हैं वन डिवाइडेड बाय साइन ठीक है sin, तो यहाँ पर आएगा जब एक स्टेप इस तरह से आएगा वन डिवाइड साइन स्क्र थीटा जब ये उलट के आएगा तो मल्टीप्लाई uh, में आएगा तो साइन ऊपर आ जाएगा ठीक है साइंसक्यर थीटा माइनस वन डिवाइड बाई कॉस को हम लिख सकते हैं साइन ठीक है यहाँ पे साइन स्केयर कैंसिल हो जाएगा कॉल स्क्र थीटा माइनस साइंस स्क्र थीटर आ जाएगा अब देखें साइंस स्क्र थीटा है हमारे पास तो हम इसकी जगह पुट कर सकते हैं वन माइनस कॉल स्केयर थीटा देखिए आपको कैसे पता चलेगा आप अपनी राइट हैंड साइड देखते जाएं मतलब दूसरी साइड जो प्रूफ हैं वो देखते जाएं यहाँ पे अब आपको साइन नहीं नजर आ रहा कॉल नजर आ रहा है इसका मतलब आपको यहाँ से ये साइन ख़त्म करना पड़ेगा ठीक है तो साइन की जगह हम जानते हैं साइन स्क्अर थीटा प्लस कॉस केयर थीटा इज इक्वल टू वन साइन हमने खत्म करना है ना ये यहाँ पे रहेगा और आ, मतलब इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी कुछ तो कॉज इक्वल के साइड पे आ जाएगा इसकी जगह पुट हो जाएगा वन माइनस कॉस केयर थीटा मल्टी नेगेटिव को ओपन करें ब्रैकेट को सॉरी कॉस केयर थीटा माइनस वन माइनस वाइनस प्लस कॉस केयर थीटा तो ये वन इसका भी कोफिशिएंट वन है यहाँ भी कोफिशिएंट वन है

इसे हमने कर दिया रैशनलाइज ठीक है यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं बाकी वैल्यूज़ वही रहती हैं ठीक है वन प्लस कॉस सीटा एज इट इज़ है ये पूरी पूरी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव लगा देंगे आप यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव अपर वैल्यू अपर से मल्टीप्लाई होगी तो वन प्लस कॉस्ट सीटा होल स्केयर आ जाएगा टू टाइम है ठीक है ये आ जाएगा वन माइनस कॉस सीटा इंटू वन प्लस कॉस्ट सीटा वन प्लस कॉस सीटा होल स्केयर एज इट इज और ये फार्मूला यहाँ पे बन जाएगा कौन सा फार्मूला बनता है ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्यर माइनस बी स्क्यर तो अब ये देखें ए प्लस बी यहाँ पे वैल्यू सेम है प्लस और माइनस का फर्क है तो वन का स्क्वेयर वन ही होता है ठीक है और माइनस कॉस स्क्र थीटा वन प्लस कॉल की uh, cos स्क्र थीटा की जगह साइंस को थीटा पुट कर देंगे ठीक है अब ये स्क्यर uh, होल ले लें फिर आप इसको अलग कर दें वन डिवाइड बाई थीटा प्लस कॉस सिकेंड होता है कॉज ओवर साइन कॉट होता है और यही थी आपकी राइट हैंड साइड क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है सिकेंड थीटा माइनस टेन थीटा होल स्केयर डिवाइडेड इज इक्वल टू वन माइनस साइन थीटर डिड प्लस कॉस थीटा इसमें भी हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर है ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टीन मैंने आपको लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करवाई थी तो उसमें आ, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड थी मतलब इस तरह की ठीक है जिसको हमने रैशनलाइज़ किया था इसमें ये लेफ्ट हैंड साइड है जो कि क्वेश्चन नंबर थर्टी में राइट right थी तो इस क्वेश्चन को भी क्वेश्चन नंबर थर्टीन की तरह आप कर सकते हैं ये राइट हैंड साइड कंसिडर करें और इसे रैशनलाइज़ करें और इजीली सॉल्व हो जाएगा तो मैंने आपको दोनों मेथड से इसलिए करवा दिया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर ली सेकेंड को हम लिख सकते हैं वन डिवाइड बाय कॉज माइनस टेन होता है साइन डिवाइड बाय कॉज एलसीएम लेंगे तो कॉल स्क्र थीटा आ जाएगा और ये वन माइनस साइन होल स्क्यर ठीक है स्केयर so भी है ना इसका स्क्यर हमने अलग कर दिया डिनोमिनेटर का नॉमिनेटर का अलग हो गया वन माइनस साइन टू टाइम है इसे हम टू टाइम लिख सकते हैं ठीक है और कॉस को हम लिख सकते हैं वन माइनस साइन थीटा किस तरह से वी नो दैट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू वन है ना तो कॉल स्क्यर थीटा यहाँ पर रहेगा और ये इक्वल के इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा तो यही हमने कॉल स्क्यर थीटा की जगह वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा पुट कर दिया अब देखिए ये फार्मूला है ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्यर अगर यहाँ पर स्क्वेयर लगा दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है तो ये यह यहाँ पे फार्मूला यूज़ हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी ठीक है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्यर आप ये एक स्टेप इंक्रीज कर सकते हैं स्क्वेयर लगा के ठीक है तो ए प्लस बी ए माइनस बी और ऊपर वाले टर्म्स एज इट इज़ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी नेगेटिव की टर्म्स ठीक है वन माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई वन प्लस कॉस सॉरी साइन थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन टू टेन थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन स्क्र थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा लेफ्ट साइड कंसिडर करें ठीक है और अब हम टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन डिवाइड बाय कॉस डिवाइड वन प्लस टेन को फिर लिख दें साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाय कॉस्र थीटा ठीक है अब यहाँ पे ले लें आप एलसीएम इसका एलसीएम लेना है ठीक है यहाँ पे एलसीएम नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे प्लस माइनस नहीं है एलसीएम प्लस माइनस में लेते हैं तो ये बन जाएगा कॉस मल्टीप्लाई वन कॉस्क्यर थीटा माइनस साइन सॉरी कॉस केयर थीटा प्लस साइंस कोयर थीटा डिवाइड बाय कॉस केयर थीटा नॉमिनेटर एज इट इज़ ये जो अभी मैंने आपको बताया ठीक है कॉस्यर थीटा प्लस साइंस क्योर थीटा की जगह वन पुट कर दिया ये टर्म एज इट इज मल्टीप्लाई ये उलट के आ जाएगी तो कॉस क्यर थीटा ये कॉज एक कैंसिल हो जाएगा यहाँ एक कॉज रह जाएगा तो ये बन जाएगा टू साइन थीटा कॉज थीटर और यही थी आपकी राइट हैंड साइड आई होप कि जितने क्वेश्चन मैंने आज करवाए और जितने इससे पहले करवा चुके हूँ आपको सब अच्छे से समझ आ गए होंगे फिर भी अगर कोई बात समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप ऑनलाइन लेक्चर्स या uh, मेरे हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़